गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई कीर्ति वेलकम यू ऑल इन BBVN ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर 5, दैट इज डिग्निटी ऑफ लेबर। सो स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट द डिग्निटी ऑफ लेबर? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्पर्स। ऑल ऑक्यूपेशंस हैव डिजर्व सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी रेज्ड वॉइस अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्पर्स। हेल्पर्स कौन होते हैं? देर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस टू लीड अ कम्फर्टेबल लाइफ थ्रू देयर वर्क। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम की सहायता से हमारी लाइफ को कम्फर्टेबल करते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अस नीड टू वर्क टू अर्न आवर लिविंग। हम सभी काम क्यों करते हैं? हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन करने के लिए, पैसे कमाने के लिए हम सभी को कुछ ना कुछ काम करना होता है। सम ऑफ अस वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस। हम में से कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं एंड सम पीपल आर वर्क इन प्राइवेट सेक्टर्स, और कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर्स में वर्क करते हैं। सम वर्क एज डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर एंड सम वर्क एज स्वीपर, क्लीनिंग रोड्स एंड वॉशरूम्स, वाइल सम वर्क एज हाउस हेल्प्स। तो बेटा, हमारे आसपास बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई ना कोई काम में लगे हुए हैं। कुछ लोग बड़े बड़े ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग एज ए डॉक्टर है, टीचर है, क्लीन जो इंजीनियर्स होते हैं उनके रूप में काम करते हैं। बट इन सभी के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एज ए स्वीपर, क्लीनिंग रोड्स, रोड साफ करने का जो काम करते हैं, हमारे घर के जो टॉयलेट्स होते हैं या जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उन्हें जो क्लीन करते हैं, या फिर हमारे घर पे जो काम करने के लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा लोगों को लगा रखा है, लाइक आपके घर में झाड़ू पोछा करने के लिए काम वाली बाई आती हैं, घर के बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो जो हाउस हेल्प्स के लिए हेल्पर्स होते हैं वो सभी हमारे घर पर काम करते हैं। तो ये सभी काम क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए करते हैं। A sweeper, a watchman and an office peon or a washerman might not have highly paid jobs, but their work is as important as any other jobs. जो sweepers होते हैं या फिर जो road clean करने वाले washroom cleaners होते हैं, मे बी इनकी जो salary होती है, जो इनको पैसे मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं compared to जो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स हैं, इनको जो सैलरीज मिलती हैं उनकी कंपेयर में इनकी सैलरी मे बी कम होती हैं, लेकिन their work is important as any other job. लेकिन इनका काम भी उतना ही important होता है जितना अलग जो लोग काम कर रहे हैं, जो other people बड़े बड़े office में बैठ के काम कर रहे हैं उनकी compare में इनका काम भी उतना ही important होता है। Students, imagine if no one look up the job of keeping the roads clean or disposing of rubbish properties. कैन यू इमेजिन कि अगर कोई रोड क्लीन नहीं करेगा, आपकी जो स्ट्रीट है, आपके घर के बाहर का जो पोर्शन है उन्हें स्वीपर्स आके क्लीन नहीं करते हैं, जगह जगह कचरा गिरा हुआ है रोड्स पे आपके घर के बाहर, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? दे वुड बी माउंड्स ऑफ रबिश एंड फिल्थ ऑल अराउंड। जगह जगह कचरा है, गंदगी है, ये सभी किसको नुकसान पहुँचाती हैं? हमें खुद को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर हम लोग सामने वाले के काम को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उसके काम को छोटा समझेंगे और वो अगर अपना काम करना बंद कर देते हैं तो आपको कैसा लगेगा? तो यही है, अगर आपकी मदर आपको घर पे खाना नहीं देगी, क्योंकि घर पे खाना कौन बनाता है? आपकी मम्मा बनाती है। तो अगर आपकी मदर खाना देना बंद कर देगी तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। आपके फादर आपको मार्केट से अच्छे अच्छे टॉयज ला के नहीं देंगे तो आपको बुरा लगेगा। तो सभी का जो काम होता है, अगर वो काम करना बंद कर देंगे, टीचर आपको क्लास में पढ़ाना बंद कर देगा तो आपको कैसा लगेगा? तो इसीलिए जो भी इंसान काम कर रहा है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल वर्क इज इम्पॉर्टेंट। लाइवलीहुड अर्न्स सो ऑनेस्ट हार्ड वर्क, वेदर इट इज at a roadside or in a big office, is respectable living. We must understand that all work is important and should show equal respect to all those who makes our lives comfortable. इसलिए हमें सभी काम को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऑफिस में बैठ के किया गया हो या फिर रोड साइड जो वर्कर्स काम करते हैं उनका काम हो, हमें सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। A
Earlier in our society, some people with so-called impure professions, they were considered unclean and untouchable. पहले के टाइम पर हमारी सोसाइटीज़ में कुछ लोग जिनका प्रोफेशन बहुत ज़्यादा इम्प्योर होता था, लाइक वो लोग जो रोड क्लीन करने का या टॉयलेट क्लीन करने वाला जो काम जो लोग करते थे, स्वीपर जो होते थे, उनको कैसे कंसिडर किया जाता था कि वो लोग अनक्लीन और अनटचेबल है, मतलब उन्हें ना तो छुआ जाना चाहिए और ना उनके पास बैठना चाहिए, वो बहुत गंदे होते हैं. दे वर फोर्स टू लीड आइसोलेट लिव्स एज अदर पीपल रिफ्यूज टू इवन टॉक टू देम. पहले उन लोगों के साथ जो रोड क्लीन करने वाले जो स्वीपर्स होते थे उनके साथ जो अनटचेबिलिटी वाला बिहेव किया जाता था उसमें लोग उनसे बात तक नहीं करते थे, उनके पास बैठना तक पसंद नहीं करते थे. ऑफन दे वर नॉट अलाउड टू फैच वाटर फ्रॉम द सेम वेल एज अदर और टू एंटर द प्लेस ऑफ वर्शिप. इवन उन लोगों को वहाँ से पानी भी नहीं लिया जाता था, उन कुओं और तालाबों से पानी भी नहीं लेने दिया जाता था जहाँ से बाकी के लोग पानी लेते थे, और उन्हें जो वर्शिप प्लेस होते हैं मंदिरों में भी नहीं आने दिया जाता था. दे वर फोर्स टू लीड आइसोलेटेड लिव्स, उन्हें अलग रखा जाता था, उन्हें लोगों के साथ में उठना बैठना नहीं दिया जाता था. सोशल रिफॉर्मर्स सच एज स्वामी विवेकानंद एंड ज्योतिबा वाइल रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी. और इस भेदभाव के खिलाफ जो स्वामी विवेकानंद और ज्योतिबा फूले हैं उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी कि सोसाइटी से ये जो अनटचेबिलिटी छुआछूत वाली जो चीज़ें फैल रही हैं कि जो रोड क्लीन करने वाले स्वीपर्स होते हैं उनके साथ उठना बैठना नहीं है, उनसे बातें नहीं करनी है, इवन उन्हें मंदिरों में भी नहीं जाने दिया जाता है, तो इसके अगेंस्ट किसने अपनी आवाज़ उठाई थी? स्वामी विवेकानंद और ज्योतिबा फुले ने अपनी आवाज़ उठाई थी कि ये जो छुआछूत वाली भावना है वो सभी के अंदर से ख़त्म हो जानी चाहिए. महात्मा गांधी वॉज स्ट्रांगली अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. जो हमारे फादर ऑफ नेशन हैं महात्मा गांधी जी, वो अनटचेबिलिटी के जो छुआछूत है उसके एकदम अगेंस्ट थे. इन हिज आश्रम एवरीवन हैड टू टेक टर्न्स टू क्लीन टॉयलेट्स. इवन उनके जो आश्रम है, महात्मा गांधी जी का जो आश्रम था उसमें उन्होंने जितने भी लोग उनके आश्रम में रहते थे उन सबको बारी बारी से उनका टर्न आता था और सभी टॉयलेट्स क्लीन करते थे. उन्होंने अलग से किसी को स्पेशली स्वीपर को नहीं रखा हुआ था टॉयलेट्स क्लीन करने के लिए, बिकॉज महात्मा गांधी जी मानते थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है. अगर स्वीपर्स हमारे टॉयलेट क्लीन कर सकते हैं तो हम खुद भी अपना टॉयलेट क्लीन कर सकते हैं. तो उन्होंने अपने आश्रम में सभी को टर्न दे दिया था कि सब अपनी अपनी बारी से टॉयलेट क्लीन करेंगे. सो डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होता है? डिग्निटी ऑफ लेबर इज़ हाउ मच वी रिस्पेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स. डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब होता है कि हम किस तरीके से जो भी काम होता है, छोटा बड़ा, ऑफिस में किया जाने वाला, रोड साइड किया जाने वाला, वो सभी काम रिस्पेक्ट वाले होते हैं, सभी काम की इम्पोर्टेंस इक्वल होती है. विदाउट फीलिंग दैट वन काइंड ऑफ जॉब इज सुपीरियर टू अनदर, बिना ये सोचे कि कोई भी काम किसी दूसरे काम से छोटा या बड़ा है, हमें सभी काम को सेम रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनको सेम इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये था आपका चैप्टर डिग्निटी ऑफ लेबर. थैंक यू सो मच.